नजर को तेरी आंखों के जलवे लुट गए। वाह, अरे झुमकों के शेर लिखा, झुमकों पे शेर लिखा तो डिंपल रूठ गए। अब कौन दिखाए तुझको तेरी झलक, टकराए जो तेरे हुस्न से तो आईने टूट गए। पिट्टू मैं मंदिर जा रही हूँ। हुआ तू मंदिर? लैंडलाइन फोन पे टच स्क्रीन फैसिलिटी कब से आ रही? जब से मेरी शादी टूटी है ना, मैं बहुत ही धार्मिक हो गई हूँ। सी है उठू उत्तरी ईमान आई है। अरे बैठ, बातें करते रहते हैं। अब तो मुझे पक्का पता लग गया कि मेरे बुरे दिन आ गए, घर में मेहमान भी लेडीज ही आने लगी हैं। किरण जी, आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में इतना टैलेंट जज कर दिए, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की आदत हो, कोई ऐसा बुरा दिन नहीं दिया? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। Look at me, I am 22 year old, hot, sexy and glamorous। किरण जी, हाँ, मैं ना सकंदर से भी थोड़ी छोटी हूँ। सुना था कि आप सिकंदर के लिए बहू ढूंढ रही हैं। अगर आपको मैं पसंद हूं तो आपको सास बनाने में आई डोंट माइंड। अगर शादी कर ली ना सिकंदर के साथ, पहली बार ऐसा होगा सास को लोग हाय कहेंगे, बहू को माता जी नमस्ते कहकर निकल जाएंगे। कहीं टाइम पे शादी हुई होती ना तो जिठानी होती किरण जी की, और उनके सिकंदर से बड़ा तेरा अपना पोरस होता। आप इधर आइए मलाइका जी, प्लीज कम हियर। मैं लोगों के सामने बात नहीं करना चाहती। अच्छा अच्छा, कहा जा रहा है? सुनिए, आप तो घर की बड़ी बहू हैं, तो आपका वो जो देवर है कौन? सल्लू। उससे मेरी बात चलाइए ना, अब सिर्फ सल्लू पे ही मेरी सारी उम्मीदें टिकी हुई है। वो भी हॉट, आप भी सेक्सी। हुआ कि चॉइस देखी बाजी आपने, रजाक खान से सीधा सलमान खान। अरे केजरीवाल साहब ने भी सीएम बनने से पहले एमएलए के इलेक्शन लड़े थे, तो सीधा पीएम बनना चाहती, शर्म कर कुछ। बिट्टू, मैं जब भी अपनी शादी की बात चलाती हूँ तो बीच में अपना नाक क्यों घुसा देता है? एक साइड में होकर बैठ जाओ उधर सोफे पे। कितनी तैयारी की मैंने तेरी शादी के लिए? तेरी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ अभी? बदतमीज गई का। डोंट वरी बुआ, आपको बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। आई प्रॉमिस यू, एक बहुत ही हैंडसम सेक्सी हॉट लड़का मिलेगा आपको। मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। हाय, गिफ्ट? गिफ्ट है? आई लव गिफ्ट्स। प्लीज आप देखोगे क्या है इसमें? इसमें गोल्ड का इयररिंग्स है। गोल्ड? क्यों कहा ये वर्ड गोल्ड? बहुत अच्छा है। सख्त नफरत है इस वर्ड से। सिद्धू जी, जब भी मैं गोल्ड बात सुनती हूँ ना, मुझे गोल्डन भाई नजर आता है। शांत हो जा, शांत हो जा। मेहमानों के सामने गुस्सा नहीं करते। ओए काहे के मेहमान, कौन से मेहमान? मुझे निकालनी इससे बात। अच्छा सुनो सुनो, रहने दो, वो नहीं चाहिए तो ये शगन रख लो, ये काम आएगा। वो नहीं चाहिए तो ये ले लो। ये लेती हूँ, वैसे भी इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। खोल के दिखाओ बिट्टू को। बिट्टू वैसे ही काम नहीं करता। इतने सारे पैसे चेक, इतना बड़ा मैंने तो कभी देखा ही नहीं। ये किस टाइप का चेक है भाई? तू
तेरी शादी नहीं हुई भाई, आपको पता ना वो गोल्डन भाई गुंडा का कितना बड़ा, तेरी शादी हो भी जाती वो जेल में रहता, हनीमून तेरा फिर भी ना होता। तो खुश रहा कर, खुश रहा कर, कोई बात नहीं, जा खुश रहूं, जा अंदर जाके ठंडा पानी पी दो गिलास, जा जा रही हूं मैं। आई डोंट लाइक दिस, जल्दी जा पापा जी का टुल्लू। बुआ को जो सदमा लगा जायज है बाजी, आप देखो आपके करोड़ रुपए की लॉटरी निकले, आप अगले दिन कैश लेने जाओ, पता चले कि सारे डिजिट मिलके लास्ट वाला नंबर गलत था, तो आदमी को सदमा तो लगेगा ही। किरण जी मलाइका, आप दोनों एक साथ एक शो जज कर रही हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट, तो आपने एक दूसरे को बहुत ऑब्जर्व किया होगा। थोड़ी देर के लिए अगर आप किरण खेर बन जाए और आप मलाइका, तो थोड़ा मुझे लगता है कि मजा आएगा देखने वालों को, एक बार हो जाए। आपने ऑब्जर्व किया होगा, पहले पहले आप किरण जी डिंपल डालो ऐसे करके। ओए मलाइका, कुछ दो खाने के लिए तुम आते हो शूट पे, कुछ देते नहीं हो खाने के लिए, किधर है तुम्हारा मखाना? भूख लग रहा है, खाना दे दो। अरे छोड़ो तुम्हारी बात, मुझे बस खाना दे दो, कहा है मखाना, किधर है तुम्हारा ये सब चप 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 चप, दो दो मुझे, चलो चलो जल्दी 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 दे दो। भाई मेरी बारी। तेरी। अब मुंह कैसे तीखा करोगे? मुंह तीखा मेरा, मुंह तो तीखा दुबड़ा साल जो इसने मेरे डिंपल बनाए थे वही मुंह तीखा हो गया। तेरी। तेरी। हाँ फोन देना, फोन करण। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनके मैसेजेस आते होंगे। अच्छा। I don't mean boyfriends only, I mean girlfriends also. ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके भी तो फ्रेंड्स होंगे काफी। हाँ तो मेरी फ्रेंड्स है वो, मतलब अगर मैसेज होगा तो मैं बाद में जवाब दे दूंगी, उस वक्त तो काम पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए ना। लेकिन ये और करण दोनों बहुत, करण स्पेशली बहुत बिगड़ा हुआ है, वो 24 घंटे फोन पे लगा रहता है, ये इतनी ज्यादा नहीं थोड़ी सी कम है। करण तो जजमेंट करने आते नहीं, वो फोन सुनने आते, बीच बीच में जजमेंट कर लेते हैं। राइट, बट ही इज वेरी एंटरटेनिंग, ही इज वेरी एंटरटेनिंग, उसके बिना बोर हो जाते हैं। एब्सोल्युटली कीप्स अस अलाइव ऑन दैट फ्लोर, बहुत ही बहुत मजा आता है बीच में जो उसके साथ मजा होता है, कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, हंस हंस के पागल हो जाते हैं। बिल्कुल, कपिल शो लाइव ओवर देयर। वैसे किरण जी मलाइका, आप इंडियाज गॉट टैलेंट में इतना टैलेंट जज करती हैं, इस चक्कर में यहां पे भी बहुत सारे लोग अपना टैलेंट दिखाने की तैयारी करके आए। अरे कौन कर रहा है टैलेंट दिखाने की बात? ठहरो ठहरो, मैं नीचे आकर टैलेंट दिखाता हूं, ठहरो ठहरो। राजी शर्मा जी आप बताइए कहां दिखाना है टैलेंट? पापा जी आपको खुद को तो दिखता नहीं, टैलेंट क्या दिखाओगे आप? कैसे नहीं दिखाई देता, वो देखो किरण बैठी है इधर, मलाइका बैठी है। तेरी। देखने वाली चीज नहीं छोड़ता। ये हुस्न का जादू है भाजी। हाँ। तो कल तो अखबार को ही पेपर डोसा समझ के खा रहा था बुड्ढा। क्या टैलेंट दिखाएंगे पापा जी आप? बस जी आंखों का ही टैलेंट है जी। आंखों का मतलब? मैं किरण को 2 मिनट लगातार देख सकता हूँ। ये कौन सा टैलेंट हुआ, ये तो कोई भी देख सकता है। आप देख सकते हैं? मैं देख सकता हूँ, आधा घंटा देख सकता हूँ। मैं पूरा दिन देख सकता हूँ। देखो जी मैंने ये कहा कि मैं पूरा दिन देख सकता हूँ, बट इस उम्र में अनुपम खेर जी से थप्पड़ कौन खाए? आप करने वाले कुछ? आप हमारे जजेस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो टैलेंट है तो फटाफट दिखा के निकलिए आप। अच्छा देखो जी, मेरे में जो मेन टैलेंट है वो है कि मैं आंखों से तस्वीर खींच सकता हूँ। अच्छा। हाँ जी, आंखों से तस्वीर खींच लेंगे। बिल्कुल। खींच के बताइए जरा एक मिनट, इससे पहले मैं जरा डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ खतरनाक नहीं परफॉर्म करने वाला ये। आप इतने क्यों हिल रहे हो यहाँ पे? ये भी टैलेंट है।